रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बढ़ते कोरोना कहर की वजह से और ऑक्सीजन की जरूरत की वजह से छत्तीसगढ़ के लगभग सारे उद्योगों में ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। इसके असर से संयंत्रों में होने वाला उत्पादन प्रभावित होने लगा है। बताया जा रहा है कि उद्योगों का उत्पादन 50% से भी कम हो गया है। दुर्ग जिले में भी उद्योगों में धंधे होने की कगार पर है। यहां उत्पादन के लिए छोटे टूल्स व पार्ट्स की समस्या है। इसके चलते मजदूरों की सुरक्षा को लेकर एमएसएमई लघु उद्योगों को हफ्ते के आखिरी में 2 दिन पूर्ण रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स उद्योगों के लिए रियायतों की मांग कर रही है। बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकार ने 100% ऑक्सीजन की सप्लाई मेडिकल किए जाने के लिए आदेश दिए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने का सबसे ज्यादा असर मिनी स्टील प्लांट और रोलिंग मिलों को हो रहा है। आने वाले दिनों में इनकी हालत और खराब हो सकती है। उद्योगों में ऑक्सीजन रॉ मटेरियल और श्रमिकों की सुरक्षा के चलते उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उत्पाद का निरीक्षण नहीं होने से उद्योगपतियों की आय रुक गई है, जिससे उन्हें श्रमिकों के वेतन देने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग ने अभी 2 दिन पहले उद्योग चैम्बर के माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में सभी एसोसिएशन, उसमें जितने भी एसोसिएशन्स आते हैं, सभी लोगों की एक जूम मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में सभी लोगों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। हमने ये जानने का प्रयास किया कि इस लॉकडाउन के समय में या कोरोना काल के समय में व्यापारियों को किस अलग अलग एसोसिएशन्स को क्या क्या दिक्कतें को फेस करना पड़ रहा है। तो फैब्रिकेशन यूनिट्स को लेके जो सबसे बड़ी समस्या पहले आ रही थी, वो स्टाफ को लेके आ रही थी। वो तो सभी सभी उद्योगों में है ही है कि स्टाफ को वहाँ रखा जाए, बाहर से स्टाफ आता है। तो सभी लोगों ने अपने स्टाफ को कट डाउन कर दिया है। फैब्रिकेशन यूनिट्स में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, जो सिलेंडर सभी नहीं मिल पा रहे हैं, जो मेडिकल के लिए डाइवर्ट कर दिए गए हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दूसरा जो है, एक बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, इस समय ट्रांजेक्शन सबके बंद हो गए हैं। बाहर से भी सभी जगह पे बहुत सारे अलग अलग अन्य शहरों में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जो ट्रांजेक्शन पैसे आने चाहिए, वो ट्रांजेक्शन एक सर्कल रुक गई है। और बहुत बड़ी एक समस्या जो हम लोगों को देखने को आ रही है भिलाई में, उद्योगों को लेके बहुत सारे बड़े यूनिट्स का माल बन के रेडी तैयार पड़ा हुआ है। रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, दुर्ग।